वर्क पावर एंड एनर्जी। चैप्टर के नाम में सब कुछ मेंशनड है। वर्क का मतलब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और वर्क डन तब होगा जब बॉडी पे फोर्स लगेगी और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर उसके बाद है एनर्जी, काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तभी वर्क डन करोगे। काम तो तभी करोगे जब कुछ एनर्जी लेके आओगे, और एनर्जी स्टोर भी हो सकती है। आपने क्या किया, एक पत्थर को ज़मीन से उठा दिया ऊपर और छोड़ दिया, तो उसमें एनर्जी स्टोर थी जैसे वो वापस चला गया। तो लेकिन आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एनर्जी डिस्कस करेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल जो भी होगी, और नेक्स्ट है पावर। जो पावर है ना वो अलग ही चीज़ है। पावर पता है क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम पावर है। बहुत सिंपल है, दो गाड़ी हैं, एक मारुति 800 है, एक बड़ी गाड़ी है, 50 लाख रुपये गाड़ी ले ली, जाना दिल्ली है। क्या तुम्हें लगता है मारुति 800 दिल्ली नहीं जाएगी, साइकिल वाला भी दिल्ली जाएगा, जाएगा 15 घंटे में, बात अलग है। मारुति 800 7 घंटे में पहुंच जाएगी, कोई दिल्ली जाएगा वो तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा, कोई बड़ी गाड़ी और तेज़ ले लेगा पिकअप वाली वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, इतना ही फर्क है, पिकअप ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तेल तो दोनों ले रही है ना, वर्क डन तो दोनों ही कर रही है वहां जाने का, लेकिन कोई कम टाइम में कर रही है क्योंकि पिकअप ज़्यादा है, और कोई ज़्यादा टाइम में कर रही है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन तो दोनों ने सेम किया, पहुंच तो डेस्टिनेशन में गई दोनों, लेकिन टाइम एक ने कम लिया तो एक ने ज्यादा लिया। तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम कम लेगी तो पावर ज्यादा है, हम बोलेंगे पावरफुल गाड़ी है, तेज चलेगी, पावर ज्यादा है। तो जो काम जल्दी करता है, सेम काम कोई होली करता है स्लो करता है, तो उसकी पावर ज्यादा और कम हो जाती है, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी या वर्क डन रहता है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू, वर्क डन है क्या, वर्क डन है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क डन तब कहलाया जाता है फिजिक्स में, व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपने कोई फोर्स लगाई, आपकी फोर्स लगाने से आपकी बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो वर्क डन हुआ, वर्क डन माना जाएगा, और अगर वो हिली नहीं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। सिंपल है, क्लियर है यहां तक। आप बेंच को जितने मर्जी मुक्के मारे जाओ, बेंच तो हिला नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, भाई पैसे किस चीज के, हिला तो है नहीं कुछ भी, तो भाई कोई वर्क डन नहीं। ठीक है, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तब तक वर्क डन नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो आपके आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाई एफ वेक्टर राइट, और डिस्प्लेसमेंट है राइट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। ये तो छोटी क्लास में होता है, बड़ी क्लास में बोला जाता है फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई ऐसे कैसे कर लोगे, या तो डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, तो यहां पर डॉट लगेगा, डॉट लगेगा, ठीक। तो क्यों लगेगा डॉट, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क डन की जो वैल्यू है, जिसके पीछे जूल लग जाए, अब एनर्जी स्टोर हो जाती है किसी बॉडी में, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ स्टोर होगी, स्टोर हो गई, कोई डायरेक्शन नहीं होती एनर्जी की, तो वर्क डन की भी कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जिसके पीछे जूल लग जाता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है, तो वर्क डन इज अ स्केलर। तो क्या बनेगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा। और अगर सपोज करो एफ और एस सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल उनके बीच में क्या है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो वही छोटी क्लास एफ इंटू एस। तो जितने भी आप छोटी क्लास में वर्क डन करके आए ना, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है।
देखो तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है एफ वेक्टर और एस वेक्टर आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, मान लो नहीं है सेम डायरेक्शन में, तो एफ वेक्टर और एस वेक्टर में एंगल थीटा है, तो उस केस में वर्क डन क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। अब जो वर्क डन है ना वो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन पॉजिटिव कब है, जब एंगल एफ और एस के बीच में लेस देन 90 है, जब लेस देन 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा इसमें पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, वर्क डन पॉजिटिव है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर में अगर एंगल लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव है। जैसे आप एक चीज को खींच रहे हो एफ सेम डायरेक्शन में या किसी एंगल के साथ 60-30, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी समझाया जाता है, फिजिक्स वाले ऐसे समझाते हैं, एफ वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक एफ एस कॉस थीटा और एक एफ एस साइन थीटा। जो एफ एस साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो एस वेक्टर के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो इनमें वर्क डन नहीं होता, क्योंकि एंगल उनके बीच में क्या हो जाता है 90, तो कॉस 90 जीरो। तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कभी भी वर्क डन में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता, हॉरिजॉन्टल करता है। तो लेकिन वैसे सिंपल वर्ड में ऐसे बोला जा सकता है, अगर थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव है, वो ज्यादा आसान है। जैसे जब एक बॉडी को नीचे घेरा जाता है अंडर ग्रेविटी, तो एक पत्थर को नीचे घेर रहे हैं, उसकी फोर्स उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है नीचे, नीचे नीचे में एंगल क्या बना जीरो, तो वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचने का वर्क डन, स्प्रिंग में फोर्स यहां लगाई डिस्प्लेसमेंट भी यहां हुई तो भी पॉजिटिव, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन है जब एंगल थीटा ग्रेटर देन 90, तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा जो ग्रेटर देन 90 है 120, कॉस 120 नेगेटिव होता है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी इसमें नेगेटिव, जब एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 90। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में अगर एंगल ग्रेटर देन 90, जैसे फ्रिक्शन, आप एक ब्लॉक को आगे लेके जा रहे हैं, जब आगे लेके जा रहे हैं तो आपकी फोर्स तो आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, फ्रिक्शन का है पीछे, तो आपके आपकी फोर्स ने कौन सा वर्क डन किया, पॉजिटिव की नेगेटिव, आपकी फोर्स ने, आपकी फोर्स कहां है इधर, डिस्प्लेसमेंट कहां है इधर, तो आपकी फोर्स ने वर्क डन किया पॉजिटिव। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्शन कहां पर है इधर, डिस्प्लेसमेंट कहां हुई इधर, तो एंगल इनके बीच में 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया नेगेटिव, आपने किया पॉजिटिव, फ्रिक्शन ने किया नेगेटिव। रेजिस्टिंग या ऑपोजिशन की फोर्सेस हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करती हैं, तो इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ब्रेक सप्लाई करते हैं, जब भी बॉडी की स्पीड रुकेगी तो रेजिस्टिंग फोर्स है, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, आपके डायरेक्शन में फोर्स है, तो पॉजिटिव। ठीक, और जीरो के ऊपर क्वेश्चन पक्का आते हैं। पहला एग्जांपल, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क डन करती है, 100 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? जब बॉडी सर्कल में घूम रही है तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी टेंजेंशियल है, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर है। तो अगर एफ टुवर्ड सेंटर है और ये एस वेक्टर टेंजेंशियल है, तो इनके बीच में एंगल क्या है 90, एफ एस कॉस 90, आंसर इज जीरो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा क्या वर्क डन करेगी, जीरो। क्लियर है? चाहे सेमी सर्कल चाहे सर्कल, सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क डन करेगी, याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट व्हेन अ कुली, फिजिक्स के लोग अगर कुली को पैसा देना चाहें तो वो तो 1 रुपया ना दें, क्योंकि उनके हिसाब से कुली काम ही नहीं करता पूरा दिन, क्योंकि कुली सामान यहां से वहां रखता है, उठाता ऐसे है, फोर्स कैसे लगा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, लेके ऐसे जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90, तो एफ एस कॉस 90 जीरो। ठीक है जी, तो कुली का वर्क डन भी फिजिक्स के हिसाब से जीरो है। नेक्स्ट, जब एक पेंडुलम सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो टेंशन कहां एक्ट करती है टुवर्ड सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो डिस्प्लेसमेंट में और टेंशन में एंगल क्या है 90, एफ एस कॉस 90, तो
टेंशन अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करेगी? जीरो. क्लियर है यहां तक? जीरो. तो ये थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन्स. वर्क डन वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो तो इसे एफ वेक्टर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, एस वी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ऐसा आएगा एफ वेक्टर एस वेक्टर तो वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फिर से आ गया वेक्टर, देखो बता के नहीं आएगा, फिर वेक्टर आ गया. अब डॉट प्रोडक्ट सीख लो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ आंसर. तो यानी कि वर्क डन तब आएगा जब वेक्टर आएगा. तो देखो वेक्टर आता है तो वर्क डन भी आ गया, कुछ करना ही नहीं मेरे को क्योंकि बेस ही तो क्लियर करना था. जहां इंटीग्रेशन चाहिए वहां इंटीग्रेशन हमें आती है, जहां वेक्टर चाहिए अपने को वेक्टर भी आता है, बात खत्म. तो पॉइंट समझ में आ रहा है. वर्क डन का अपना कुछ नहीं है, वो तो दूसरे चैप्टर को यूज कर करके चैप्टर बनाएगा. ठीक है, जैसे गार्डनर पुशेज अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी फोर्स लगाता है? 20 केजी वेट, यानी कि 20 इंटू 9.8 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर 60 डिग्री पे. तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या लगेगा? एफ एस कॉस 60, एफ पता है, एस पता है, कॉस 60 पता है, आंसर आएगा. इजी राइट? तो अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, बहुत फोर्स लगाता हूं, 100 न्यूटन, क्या उस बॉडी पे वर्क डन माना जाएगा? हाँ या ना? 100 न्यूटन बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए सिर्फ, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, पर मैंने 100 न्यूटन लगा दी, क्या वर्क डन माना जाएगा? यस कि नो? ठीक है, बेंच है, मुक्के मारना शुरू कर देता हूँ, भाई तो पूरे दिन मूवी नहीं करेगा, तोड़ दूंगा, मूवी नहीं करूंगा, तो वर्क डन कहाँ से होगा? तुमको डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं एक पैसे की. तो भाई एंगल, एंगल अगर 90 डिग्री पे कुली ने 100 छोड़ो 200 न्यूटन की फोर्स लगा दी, 150 किलो का सामान उठा के बैठ गया, चल तो हॉरिजॉन्टल रहा है ना, तो वर्क डन जीरो मानना नहीं जाएगा. तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, आपने बोला डायरेक्शन एंगल पे डिपेंड करता है, तो हाँ या ना आंसर नहीं हो सकता, डिपेंड करता है किस एंगल पे फोर्स लगी. साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग, तो स्किड करता हुआ साइकिल आ रहा है, 10 मीटर तक रुका, 10 मीटर में रुक गया, फोर्स ऑन द साइकिल रोड ने 200 न्यूटन लगाई और उसको रोक दिया इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो ऐसे केस में बताओ कितना रोड ने उसके ऊपर वर्क डन किया? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? F into S, और एंगल क्या होगा? स्किडिंग करता हुआ आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे. cos 180 नेगेटिव है, F की वैल्यू यहां पर 200 है, S की वैल्यू यहां पर 10 है, तो आंसर -2000 आएगा. क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहा है कि कितना वर्क डन साइकिल ने किया रोड पे? जीरो. जीरो कैसे? ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे थी, साइकिल वाला तो जी बैठा है स्किड करते हुए, मैं तो बैठा हूँ बस वेट कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन मुझे कब रुकेगी, मैं तो फोर्स ही नहीं लगा रहा. वो कह रहा है मैं तो डर के मारे बैठ गया, कब रुकूंगा, बस मैं गिर ना जाऊँ कहीं. तो वो जो है कुछ फोर्स ही नहीं लगा रहा बेचारा, वो तो बैठा है, वो तो रुक रहा है, क्योंकि फोर्स सिर्फ कौन लगा रही है यहाँ पर? फ्रिक्शन. खुद तो कुछ लगाना ही बंद कर दिया उसने, तो वैसे ही फोर्स अगर, हाँ वेट की वजह से भी लेना है, एमजी ने भी अगर, मतलब वेट एक फोर्स है, चलो और तो कोई फोर्स नहीं है उसकी, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट भी एंगल 90 है, तो भी हाँ ठीक है, आंसर जीरो. डन, क्लियर है यहां तक?